वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो मॉक टेस्ट नंबर 11 लेकर आए हैं कंप्यूटर के ऊपर। VLEW FAA के एस्पिरेंट जितने भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, पहले मॉक टेस्ट पे बहुत सारे कमेंट आए थे कि लेवल को थोड़ा सा एडवांस करें। इस बार हम आपको लास्ट के 5-6 क्वेश्चन जो हैं एडवांस लेवल के बताएंगे और बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे वो JKSSB एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। तो जिनको भी मतलब लग रहा था कि इजी लेवल है, तो लास्ट के 5-6 क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं स्पेशली, तो आप वो अटेम्प्ट करके देख लें। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज ऑन वेब टू डेवलप वेब पेजेस। तो आप सबको पता होना चाहिए, जब वेब पेजेस को डेवलप करने की के रिलेटेड लैंग्वेज की बात हो तो आपको इसका आंसर करना है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच कन्वर्ट्स ईच हाई लेवल प्रोग्राम स्टेटमेंट इनटू मशीन कोड। इनमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम्स को हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ईच हाई लेवल प्रोग्राम स्टेटमेंट इनटू मशीन कोड्स, तो ये है आपका कंपाइलर। यहाँ पर लाइन भी लाइन तो नहीं लिखा हुआ है, इसलिए कंपाइलर आंसर रहेगा। अगर लाइन बाय लाइन लिखा होता तो इसका आंसर इंटरप्रेटर आता। डैश इज अ टूल यूज्ड टू कन्वर्ट हैंड रिटन इमेजेस इनटू फॉर्मेट सूटेबल फॉर कंप्यूटर प्रोसेसिंग। इट इज OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। Which of the following is a cabling technology for transferring data to and from digital devices at high speed? इनमें से कौन सी केबलिंग टेक्नोलॉजी है जो हाई स्पीड पे डिजिटल डाटा को ट्रांसफ़र करती है? इट इज़ फायर वायर पोर्ट, 256 MB/s की स्पीड से डाटा ट्रांसफ़र करते हैं फायर वायर पोर्ट। विच अमंग द फॉलोइंग कनेक्ट्स ऑल द इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सच एज CPU एंड मेमोरी टू द मदरबोर्ड। इनमें से कौन सा ऐसा आपको कंपोनेंट दिखता है जो CPU हो गया, मेमोरी हो गया, इस तरह के कंपोनेंट्स को मदरबोर्ड पे कनेक्ट करे रखता है? इट इज बस। Which among the following is not language in database management system DMS में, database management system में इनमें से कौन सी लैंग्वेज नहीं यूज़ होती? तो database management system में Pascal language का यूज़ नहीं होता है। ये जो अदर लैंग्वेजेस हैं इनकी फुल फॉर्म डाटा कंट्रोल लैंग्वेज यूज़ होती है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज़ होती है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यूज़ होती है, डाटा क्वेरी लैंग्वेज यूज़ होती है। Which among the following provides a common address space and routes the packets of data across the entire internet? तो ये इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो एड्रेस प्रोवाइड करता है पैकेट्स ऑफ डाटा को? तो इट इज IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। Which among the following is a communication protocol for electronic mail transmission? Mail जो होते हैं ना, ई मेल्स को सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है? इट इज़ सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। Which of the following two keys can be used in combination with other keys to perform a shortcut and specific tasks? इनमें से कौन सी दो कीज़ हैं जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए अदर कीज के साथ हम उसको प्लस करते हैं तो वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती हैं? तो इट इज़ कंट्रोल एंड आल्ट की जो हैं ये यूज़ होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन इन बोथ डायरेक्शंस बट ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम? कम्युनिकेशन दोनों डायरेक्शन से होती है लेकिन एट अ टाइम एक डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होती है, तो ये है आपका डुप्लेक्स। ठीक है, डुप्लेक्स क्योंकि यहाँ पर बोथ डायरेक्शंस में कम्युनिकेशन होती है, जैसे हमारा आपको मोबाइल फ़ोन आ गया,
बोथ डायरेक्शन में, यहाँ से आप बोलोगे वहाँ से वो बोलेंगे, लेकिन एट अ टाइम या बोलोगे या सुनोगे, ठीक है। तो ये इस तरह की कम्युनिकेशन को हम यहाँ पर डुप्लेक्स मानते हैं। सिंगल अगर एक साइड हो, जैसे सिंप्लेक्स की एग्जांपल है टीवी या रेडियो, जिसमें एक तरफ से आपके उधर से आ रहा है, आप इधर से नहीं ऐड कर सकते। तो ये टीवी रेडियो वगैरह सिंप्लेक्स में आता है, डुप्लेक्स में आपके मोबाइल फ़ोन वगैरह आता है या बोर्ड डायरेक्शन में आता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ सिंगल हब थ्रू अ केबल, जैसे एक सिंपल हब है और बाकी डिवाइसेस जो हैं इसमें कनेक्ट हैं। तो इस तरह की नेटवर्क टोपोलॉजी को हम कहते हैं स्टार टोपोलॉजी, स्टार। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की कैन बी यूज टू ऐड हाइपर लिंक टू योर वर्कशीट इन एक्सेल, एक्सेल के अंदर वर्कशीट में हाइपर लिंक आपने ऐड करना हो तो कंट्रोल प्लस कौन सी की होगी, की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन फॉर स्लाइड्स इन एम एस पावर पॉइंट, एम एस पावर पॉइंट में डिफॉल्ट पेज सेटअप क्या होता है, डिफॉल्ट पेज सेटअप, जल्दी से आंसर करो। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत आंसर कर दिया। पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट जो है एम एस वर्ड के अंदर होता है, एम एस वर्ड के अंदर। यहाँ पर बात आ रही है पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट के अंदर पी पी टी जब बनाते हो तो लैंडस्केप जो है ये पोर्ट्रेट पेज ओरिएंटेशन रहता है, पेज ओरिएंटेशन लैंडस्केप पावर पॉइंट के अंदर। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डिवेल्प सागा 220, सागा 220 सुपर कंप्यूटर जो है 2011 में किसने डिवेल्प किया था, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डिवेल्प किया था सागा? ये इंडिया के ही साइंटिस्ट ने, इसरो ने डिवेल्प किया था, ये आपने याद रखना है। सागा 2011 में डिवेल्प हुआ था। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इन कंप्यूटर सिस्टम, इनमें से सबसे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज कौन सी है, के बी, निबल, टेराबाइट, पेटाबाइट? तो इट इज़ पेटाबाइट। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द शॉर्टकट की फॉर स्लाइड शो इन एम एस पावर पॉइंट, एम एस पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है, एम एस पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए F5 जो है वो यूज़ की जाती है। डैश, अ डैश इज़ अ हार्डवेयर फ्रेम एंड सेट ऑफ इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस इंटरफेसिस दैट एनेबल्स अ नोटबुक कंप्यूटर टू इफेक्टिवली सर्व एज अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये कौन सी हार्डवेयर डिवाइस है, इट इज़ अ हार्डवेयर फ्रेम, कौन सा हार्डवेयर फ्रेम है, इट इज़ कॉल्ड एज डकिंग स्टेशन, इसको हम कहते हैं डकिंग स्टेशन। बेसिक विच इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टैंड्स फॉर, बेसिक एक लैंग्वेज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो इट इज़, जल्दी से बताएं, बिगनर्स ऑल पर्पस सिम्बायोटिक इंस्ट्रक्शन कोड, तो इसका आंसर रहेगा ए। वट इज बग बूंटी, बग बूंटी किसको कहते हैं, बग बूंटी कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी पे बग बूंटी किसको, बग तो आपको समझता है एरर को कहते हैं, तो बग बूंटी कहते हैं किसको, रिवॉर्ड फॉर फाइंडिंग अ बग एंड रिपोर्टिंग इट टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम कहते हैं बग बूंटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्टोर प्रोग्राम एंड फाइल्स दैट आर टू बी यूज लेटर, ऐसी फाइल्स और प्रोग्राम जो बाद में यूज़ की जाएँ वो कहाँ पर स्टोर होती हैं, ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन ईजी है। मदरबोर्ड पर कोई स्टोर नहीं होता कुछ भी, रैम में स्टोर जो भी चीज़ें होती हैं वो टेम्परेरी होती हैं, यहाँ पर यूज़ लेटर कहा गया है। तो कैश मेमोरी में ये टेम्परेरी, रैम और कैश दोनों वोलेटाइल हैं, नॉन वोलेटाइल और परमानेंट यहाँ पर हार्ड डिस्क है, तो आंसर रहेगा यहाँ पर हार्ड डिस्क। डैश इज़ अ कंप्यूटर कंपोनेंट ऑफ मदरबोर्ड विच एब्जर्व द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेसर एंड अदर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, ऐसा कौन सा कंपोनेंट मदरबोर्ड पे होता है जो हीट को एब्जर्व करता है, जो हीट प्रोसेसर और अदर कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो जो हीटनेस है ना वो कम की जाए, तो इट इज़ कॉल्ड एज हीट सिंक, हीट सिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड टाइप ऑफ माउस, इनमें से कौन सा माउस की टाइप नहीं है, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस और ट्रैक बॉल माउस जो होते हैं, लेकिन मैग्नेटिक माउस कोई नहीं होता, ये आंसर रहेगा मैग्नेटिक माउस।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस आपने पढ़ा होगा, चार डिजिट्स होते हैं जो 0 से लेकर 256 के बीच में होने चाहिए। तो यहाँ पर नॉट वैलिड में आएगा आपका ये, क्योंकि यहाँ पर 298 में लिखा गया है लेकिन ऐसा नहीं होता है। विच वायरस इफेक्ट द बूट सेक्टर ऑफ द हार्ड डिस्क बाई अल्टरिंग द बूट डाटा। इनमें से कौन सा वायरस जो बूट सेक्टर ऑफ द हार्ड डिस्क पे अफेक्ट करता है और उसके डाटा को अल्टर चेंज कर देता है? इट इज़ नन ऑफ द बो। यहाँ पर आंसर होता है बूट सेक्टर वायरस, बूट सेक्टर वायरस जो ऑप्शन में नहीं है। तो आपके कितने स्कोर आए हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इससे भी लेवल एडवांस चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अपने स्कोर ज़रूर कमेंट करें जितने भी आपके स्कोर हैं। सो अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाए। और अगर आपको मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, तो वहाँ से आप मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर नोट्स आप हमारी वेबसाइट से लेना चाह रहे हैं तो वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। और मॉक टेस्ट जितने भी हमारे अभी ये जो चल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।